ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଘୃଣ୍ୟ ଚେହେରା। କର୍ତ୍ତାରପୁର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ନାଁରେ ପାକ୍ର ମିଛ ଭାଇଚାରାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଶିଖ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଇମ୍ରାନ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଛଳନା। ଅଣଶିଖ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକିଦେଲା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ। କର୍ତ୍ତାରପୁର ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ପରିଚାଳନା ଅଣଶିଖ ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହା ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବିରୋଧରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖାକୁ ଖୋଲିଦେଇଛି। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के तौर तरीके को देख रही है। वहां सत्ता का सैन्यीकरण होता था, पहली बार संस्कृति को भी का सैन्यीकरण हो गया है। और मुझे लगता है कि कोई धर्मनिरपेक्षतावादी या धार्मिक व्यक्ति ऐसा अपराध नहीं कर सकता। उसकी जितनी निंदा हो वो कम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि दुनिया के बाकी देश भी इस बारे में अपनी राय जरूर देंगे। भारत का संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार तो इस बात की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी को चेंज कर दिया है और जो वहाँ पे हमारी गुरुद्वारा कमेटी थी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा के उन्होंने अपनी कोई आईएसआई की टीम लाया है। इस पे भारत सरकार की तरफ से और गृह मंत्रालय की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से आएगी। अपनी तरफ से तो मैं आई कैन एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट एंड आई स्ट्रॉन्गली कंडेम दिस। पाकिस्तान सरकार को ए प्रकार निष्पत्ति विरोध रे प्रतिक्रिया रखी भारत वैदेशिक मंत्रालय प्रवक्ता कहते आमे देखीचु जे पाकिस्तान पवित्र गुरुद्वार करतारपुर साहेब परिचालना तथा रक्षणबेक्षण को शिख गुरुद्वार प्रभाकर कमिटी ठार् काढ़ी नहीं अण शिख तथा अल्प संख्यक शिख संप्रदाय द्वारा परिचालित एक संस्था को स्थानांतर कर पाकिस्तान एकपाखिया निष्पत्ति अत्यंत निंदनीय एवं करतारपुर साहिब कैडर आत्मा विरोध रे और शिख संप्रदायर धार्मिक भावना विरोध रे एक षड़यंत्र। एभली कार्य केवल पाकिस्तान सरकार को असल वास्तवता एवं धार्मिक संख्यालघु संप्रदायर अधिकार उपरे कुठाराघात बोली कहिछि वैदेशिक मंत्रालय। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।